बोर्ड ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ। ਪੜੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮਨਸਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र सरकार ते सूबे सरकार में एक बार स्थिति सुखाली हो जान ते अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। ते प्रीख्यावां बेहतर ढंग नाल कराउण दी योजना बनाउण दी इजाजत मिलेगी। हाँ जी, इत्थे मैं तुहानूं दसदा बहुत ही वड्डी खबर सामने के निकल के आ रही है। किहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने बच्चों का साथ दिंदिया होया पेपरां नूं पोस्टपोन करन मुलतवी करन दा फैसला लिया है अते पत्र लिखिया है केंद्र मंत्री नूं। केंद्र मंत्री जिहड़े सिक्ख्या मंत्री ने, ठीक है, ਪੋਖਰਿਆਲ जी उन्होंने तो मोदी ने दोनों लिखा है पत्र। तो उस तो बाद दस दिए होर की क्या है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सिक्ख्या मंत्री रमेश ਪੋਖਰਿਆਲ ने कश्मीर पत्र लैके मौजूदा हालत वाल ध्यान दवाद्या जोर दिता कि 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ जमात दिन प्रीख्यावान मुलतवी करने का फैसला ही ठीक है तो इस तुरंत लिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी इसकी इजाजत दे देनी चाहिए है, एक बार हालात ठीक हो जाते सूबे प्रीख्यावान करवाने लिए इस संबंधी योजना वो लिखणगे। ये बहुत ही वड्डी खबर अपने दोस्तों नाल होनी होनी शेयर कर दो। चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लियो। धन्यवाद।